हेलो दोस्तों, मैं कृतिका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके चैनल बगीचा स्टोर में। तो आज मैं आपको कुछ अपडेट देना चाहती हूँ और उसी के साथ साथ मैं चेक करना चाहती हूँ कि जो मैंने 3 से 4 महीने पहले अपनी स्नेक प्लांट की जो कटिंग्स लगाई थी, क्योंकि ये इस पॉट में मैंने कई सारी कटिंग्स लगा रखी हैं। ये मैंने स्पाइडर प्लांट की कटिंग लगाई है, ये मैंने एक और छोटे से प्लांट की कटिंग लगाई थी। ये इंडोर प्लांट है लेकिन अभी इसकी हालत थोड़ी ख़राब चल रही है, और साथ ही में ये मेरा स्नेक प्लांट टूट गया था तो मैंने इसको भी लगा दिया था इसके अंदर। क्योंकि मैं मोस्टली कटिंग्स लगाती रहती हूँ, बट स्नेक प्लांट की कटिंग तो मैंने बहुत बार ट्राई करी है और मोस्ट ऑफ द टाइम स्नेक प्लांट की कटिंग नहीं चलती है। तो मैंने फिर से ट्राई करा, बट इस बार मैं सक्सेसफुल रही। देख सकते हैं आप, इसके अंदर से एक छोटा सा पप निकल रहा है, बट इन दोनों लीफ में से भी कोई ग्रोथ मुझे नज़र नहीं आ रही है। तो मैं वही आपको अपडेट करना चाहूँगी और देखते हैं कि इन लीव्स में से भी कोई ग्रोथ स्टार्ट हुई है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं इस प्लांट को, इस वाली लीफ को निकालना चाहूँगी और निकाल करके हम देखते हैं कि इसके अंदर जो है और भी कोई पप निकलना स्टार्ट हुआ है कि नहीं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये इसके अंदर से एक पप निकला है और ये छोटा सा पप एक इसका यहाँ से भी निकलने वाला है इसी तरीके का। और अगर मैं इसको यहाँ से कट करके अगर मैं इसको लगा देती हूँ कहीं और छोटे पॉट में, तो ये मेरा न्यू प्लांट बन के तैयार हो जाएगा और इसमें से भी जल्द एक छोटा पप निकलने वाला है। और आप इसकी रूट्स देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरीके से इसकी रूटिंग स्टार्ट हुई है। सेम हम देखते हैं इस वाली लीफ के साथ में। तो ये वाली जो मेरी लीफ है, मुझे तो नहीं लग रहा है इसके अंदर कोई भी रूटिंग स्टार्ट हुई होगी अभी तक। यस, तो इसमें अभी भी कोई रूटिंग स्टार्ट नहीं हुई है, इसके अंदर कोई भी रिज़ल्ट हमें नहीं दिखाई दिए। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने इसकी कम से कम 5-6 कटिंग्स लगाई थी और 5-6 कटिंग्स में से एक आध कटिंग ही आपकी चलती है। जैसे कि मैंने इस पॉट में लगाई है कटिंग्स कई सारी, लेकिन इसमें तो बेबी निकल आया है, इसका छोटा पप निकल आया है, लेकिन बाकी के जो ये लीफ है इसमें तो रूटिंग भी स्टार्ट नहीं हुई है। इसी के साथ साथ मैं इसको भी निकाल करके देख लूँगी। तो आप देख सकते हैं कि इस वाले जो प्लांट है इसके अंदर रूटिंग तो स्टार्ट हो गई है, बट इसके अंदर एक पप भी छोटा सा निकलना शुरू हो गया है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। तो इसके अंदर एक पप भी निकल रहा है, जल्दी ये प्लांट जो है एक नए प्लांट को ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। तो ये जो है एक नया प्लांट हमारा जल्दी बन के तैयार हो जाएगा। इसको भी हम अगर सेपरेट कर सकते हैं तो करने के बाद में हमारा न्यू प्लांट हम छोटे पॉट में इसको लगा सकते हैं। तो ये मेरे कुछ अपडेट्स थे आपके लिए। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगी कि कभी भी आप कोई भी प्लांट की अगर कटिंग लगाते हैं तो आप उसको इस तरीके से लगाएं कि आप उसकी 5 से 6 कटिंग्स लगाएं, क्योंकि मोस्टली सारी कटिंग्स नहीं चलती हैं। मैंने पहले भी कई बार स्नेक प्लांट की कटिंग को लगाया है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी कटिंग्स नहीं चलती थी। तो ये इस बार मेरी जो 3 में से जो मेरी 2 कटिंग्स हैं वो तो बहुत अच्छे से चल रही हैं। होपफुली इसमें भी न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो ही जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।